एवरीवन एंड नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी में। सो गाइज, आज हम लोग हैं नोएडा एक्सटेंशन में और जिस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो विक्ट्री वन बिल्डर का प्रोजेक्ट है एंड प्रोजेक्ट नेम इज़ विक्ट्री वन सेंट्रल। सो मैं आपको पहले बताता हूँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सो जो प्रोजेक्ट लाई करता है वो सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में लाई करता है एंड आसपास इसके जो है A1 कैटेगरी के बिल्डर्स है, लाइक ATS का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, SKA का प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है इसके जस्ट नेक्स्ट में एंड ABA ग्रुप का भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज़ कोको काउंटी। उसको भी हम लोगों ने अपने चैनल पे कवर किया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन आते हैं गौर चौक पर, जिसको चार मूर्ति चौक या किसान चौक भी कहा जाता है, तो वहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट आना है, 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे आगे। ये पांचवे गोल चक्कर पे लाई करता है जिसको राजेश पायलट चौक भी कहा जाता है। तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे गौर चौक से यहाँ पर आने में। साथ साथ जो ये प्रोजेक्ट लाई करता है वो सर्विस लेन पर है। इसके सामने से जो रोड जा रही है वो 130 मीटर वाइड रोड है जो कि नोएडा एक्सटेंशन से डायरेक्ट दादरी ग्रेटर नोएडा की तरफ जाती है। सो गाइज, अगर मैं लोकेशन की और एडवांटेजेस आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट के बैंक ओपोजिट जो एरिया है वो नॉलेज पार्क 5 वहाँ पर आ रहा है एंड मेट्रो की जो कनेक्टिविटी रहेगी वो मेन गोल चक्कर 5 पर ही रहेगी। पीछे से जो एक्सटेंड हो रही है मेट्रो वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा एंड 3 से 4 किलोमीटर आगे यहाँ पर जो है बोराकी का रेलवे स्टेशन है और मास्टर प्लान 2031 के अकॉर्डिंग जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट नोएडा सिटी सेंटर से कनेक्टेड होगी बोराकी की तरफ। तो आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। सो गाइज, अभी हम लोग हैं इसके सेंट्रल पार्क में और मैं आपको फर्दर प्रोजेक्ट के बारे में और चीजें बताता हूँ। ये पूरा लैंड पैच जो है वो 5 एकड़ का है जिसमें आपको 915 नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ टावर्स जो हैं वो 11 टावर्स हैं यहाँ पर एंड जो फ्लोर हाइट रहेगी, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 19 फ्लोर की है एंड यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स। तो अभी आपको लेके चलते हैं इसके क्लब की तरफ और एक सैंपल दिखाते हैं जो कि है 2 BHK प्लस स्टडी। सो लेट्स कम गाइज।
अभी आपने जो देखा ये था सैंपल फ्लैट 1250 स्क्वायर फीट में, जो कि है 2 BHK प्लस स्टडी। फर्दर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। इस लोकेशन के पास में ही 5 से 10 मिनट की दूरी पर आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं, एग्जाम्पल तौर पे इन्फिनिटी स्कूल, BGS स्कूल, देन श्री राम ग्लोबल स्कूल, एंड हॉस्पिटल भी आपको 10 से 15 मिनट में बहुत नज़दीक जो पड़ जाता है वो यथार्थ हॉस्पिटल है। अब बात करते हैं इसके रेट्स के बारे में, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे सुन करके कि ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपको जो है सिर्फ 42 लाख रुपए में मिल रही है। अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट निकालते हैं तो अप्रोक्स 3400 का रेट आता है, जिसको आकर आप और प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करें जहाँ पे 4600-4800 के रेट चल रहे हैं तो ये बहुत मिनिमल है। साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये इस प्रोजेक्ट का OC आ चुका है, जिसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो अथॉरिटी से OC आ चुका है प्रोजेक्ट का, रजिस्ट्रीज ओपन है। जो बैंक्स इस पे लोन कर रहे हैं वो है HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा इस पे लोन कर रहे हैं। फर्दर अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इस प्रोजेक्ट की तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक मेन USP और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हर एक टावर में आपको एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट मिलेंगे और चारों जो है वो कॉर्नर फ्लैट्स हैं, जिसकी वजह से फ्लैट के अंदर वेंटिलेशन और लाइट बहुत ही एम्पल अमाउंट में आपको मिलती है। ये थी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जो अपने लिए रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं इकोनॉमिकल रेट में, अफोर्डेबल रेट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।